Afim, all of you, welcome to my channel. Today we are going to discuss about vectors and scalar. Vectors हमारे पास क्या हैं और scalar क्या हैं? Those physical quantities which have magnitude as well as direction is called vectors. वो quantity जिसका magnitude भी हो और direction उसके साथ भी हो, तो उसको हम vector कहते हैं. मतलब वेक्टर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस लेटर से, लेकिन ये हाई लेवल पे यूज होता है, हाई लेवल मैथमेटिक्स पे. उमूमन हमारे बुक्स में जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो इस तरह होते हैं, और कुछ बुक्स में इस तरह भी होता है. तो ये हमारे पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ये एक केप जो है ये डायरेक्शन को शो करता है, शो डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, और यूनिट वेक्टर इसको इसलिए कहते हैं कि इट्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वन है. यूनिट वन को कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं. एग्जाम्पल इसका है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन एक्सेट्रा. वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है. और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इंस्टेड फ्रॉम ए टू बी, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी. वेलोसिटी भी स्पीड इसका मैग्नीट्यूड होता है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है. और अभी स्केलर पे आते हैं. स्केलर हमारे पास दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एस कार स्केलर. वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का कोई मालूमात न हो, तो उसको हम स्केलर कहते हैं. स्केलर दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एस कार स्केलर क्वांटिटीज, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मीन्स के डिस्टेंस स्पीड 2 मीटर हमारा डिस्टेंस है, कौन से डायरेक्शन पे है, नॉर्थ पे है, ईस्ट पे है, वेस्ट पे है, साउथ पे है, तो ये पता नहीं है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड यही है. इसका स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ अपना एक डायरेक्शन है, इसलिए वो वेक्टर है. और ये इस तरह मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड द नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. जब नंबर के साथ मीन 2 न्यूटन, द नंबर प्रॉपर यूनिट के साथ जब नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड. मतलब ये एक स्केलर नंबर है 2, और इसके साथ मैंने एक प्रॉपर यूनिट लगा है न्यूटन. इसका मतलब क्या होगा? हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है ना. तो 2 के साथ मैंने जब न्यूटन को रिप्रेजेंट किया, इट्स मीन डेट कि मैं फोर्स का बात कर रहा हूँ कि 2 न्यूटन फोर्स लगाया है उसे. ठीक है, तो इस तरह मीटर पर सेकंड नंबर को जब हम प्रॉपर यूनिट के साथ लिखते हैं, तो इसको मैं हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. अब फिर क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर? वेक्टर का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? ये जो आप एरोप्लेन देखते हो, इसका एक अपना एक पाथ होता है, अपना एक वेक्टोरियल पाथ होता है. जब ये टेक ऑफ करता है, उसी पे एक वेक्टर्स की बिना पे क्या इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, और उसी डायरेक्शन पे ये टेक ऑफ करता है. तो इसी तरह हम जब कार को चलाते हैं, वेलोसिटी हमारा होते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन पे जाते हैं, ईस्ट पे जाते हैं या साउथ पे जाते हैं, जो भी हम. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, तो उसका आखिरी हद मालूम होता है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है. तो वेक्टर का सो मेनी एप्लीकेशन है. जब हम बाल को ऊपर फेंकते हैं, तो हमें पता होता है कि ये बाल जो है ऊपर से नीचे इस आएगा,
हम जब कैच पकड़ते हैं, ये एक बाल जब एक प्रॉपर डायरेक्शन पे जाता है तो एक खिलाड़ी कैच पकड़ता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेक्टर। वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका, लेकिन वो एक वेक्टर गेन करता है क्योंकि वो इसका एक बाल का प्रॉपर डायरेक्शन होता है। किसी चीज़ का एक प्रॉपर डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। और स्केलर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता। इसका एग्जांपल इस तरह भी आप ले सकते हैं कि जब आप लोग दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप चीनी दे, तो चीनी तो इसी तरह नहीं देगा ना, तो मैग्नीट्यूड आप बता देंगे तो आपको चीनी देगा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आप इस तरह 2 किलोग्राम बता दें तो वो आपको चीनी इजीली दे दे, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपको कि आपने जाके एक प्रॉपर दुकानदार से चीनी लेनी है, मैं आपको कहता हूँ कि आप जाके उधर एक दुकानदार है उससे चीनी ले लो। ये मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि आपने उसी ही दुकानदार से चीनी लेनी है, किसी और से नहीं। ये अभी वेक्टर है, पहले आपने जब चीनी ले ली वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था आपको ना। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जाओ बाजार से चीनी ला, तो जवाब क्या होगा, आगे से वो क्वेश्चन करेगा कि कितना लाओ, 3 किलो लाओ, 4 किलो लाओ, 5 किलो। तो इट्स मीन डेट कि मैं क्या मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, और अगर मैं उसको पैसे नहीं देता और उसको कहता हूँ फला दुकानदार से लाओ, तो एक्चुअली इट्स मीन डेट कि मैं उसको डायरेक्शन भी बता रहा हूँ कि उस सर फला दुकानदार से चीनी आप लेके आओ। ओके, थैंक यू।